अच्छा बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में समझा था, कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को बताई थी, कुछ रिजल्ट थे, कॉन्सेप्ट काफी डिस्कस किए थे हमने। अब जरा हम आ जाते हैं कि सॉल्व आपने किस तरीके से करना है। कुछ मैं आप लोगों को टिप्स दे देता हूँ सॉल्व करने की, कि आप किस तरह सॉल्व करोगे। अच्छा, यहाँ पे एक तो चीज ये कि हमारा जो टॉपिक है वो इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी। लेकिन मतलब इनइक्वालिटीज जिसमें एब्सोल्यूट आ रहा हो, एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी का मतलब ये है। बहरहाल तो हम इक्वेशन भी इसमें आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर एब्सोल्यूट इक्वेशन आए तो आपने उसको किस तरीके से सॉल्व करना होता है। मतलब इक्वेशन में अगर आपके पास एब्सोल्यूट का साइन हो तो किस तरीके से आप डील करोगे। तो कुछ टिप्स देख लो जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहली टिप्स की हेडिंग ही बना देते ताकि आप लोगों को ये आसानी हो जाए कि सबसे पहला पॉइंट ये कि अगर आपको कहीं लिखा हुआ है कि मॉड एक्स इज इक्वल टू ए, तो उसका मतलब एक्स की वैल्यू होगी प्लस माइनस ए। मतलब अगर आप प्लस ए यहां पे एक्स की जगह पुट करो तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, और अगर आप माइनस ए पुट करो तब भी आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। जैसे मैंने बताया था कि अगर आपके पास एक इक्वेशन हो कि मॉड एक्स इज इक्वल टू फोर, तो अगर आप x की वैल्यू 4 पुट करोगे तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, माइनस 4 पुट करोगे तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो एक तो ये बात आप ध्यान में रख लो। दूसरी बात इनइक्वालिटी से रिलेटेड है कि अगर आपको बोला जाए कि मॉड x इज लेस देन a या लेस देन इक्वल टू भी डाल दो, कोई इशू नहीं है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। बस याद रखो जब लेस वाली इनइक्वालिटी मौजूद है मॉड के साथ तो आप क्या करते हो। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट के साथ बताया था, अभी मैं दोबारा कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा, मैंने रीजन पूरी बताई थी कि जब लेस वाली होती है तो हम क्यों ये काम करते हैं। हम क्या करेंगे, हम a को यहां पे लिखेंगे, माइनस a को यहां पे लिखेंगे, और इस तरीके से आप लिख दोगे। अगर इक्वालिटी है तो यहां पे इक्वालिटी आ जाएगी। तो जब भी लेस वाली होगी तो a यहां पे लिखो, याद रखना a हमेशा पॉजिटिव होगा। यहां पे कभी भी आपके पास ये सिचुएशन नहीं बनेगी कि मॉड एक्स इज लेस देन फॉर एग्जाम्पल माइनस फोर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, सॉल्व भी नहीं आप इसको कर सकते, सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन नेगेटिव नहीं हो सकती, और बिल्कुल ग्रेटर भी नहीं हो सकता। ग्रेटर इन द सेंस कि आप इसको सॉल्व नहीं करोगे, आप इसको जो मेथड बताने लगा हो ना उस मेथड से सॉल्व नहीं करोगे। ये मेथड उसी वक्त है कि जब यहां पे कोई पॉजिटिव नंबर लिखा हो, अगर नेगेटिव नंबर लिखा हुआ ग्रेटर वाली इक्वालिटी है तो सॉल्व करने की क्या जरूरत है आपको। आपको पता है एक्स यहां पे कुछ भी पुट कर दो आंसर माइनस उससे ग्रेटर ही आएगा, लेस तो कभी भी नहीं आ सकता। तो यहां पे इसके सभी सॉल्यूशन रियल है, तो इस पे वो वाला मेथड नहीं लगाओगे जो मैं आप लोगों को भी बता रहा हूं। ये मेथड उसी वक्त लगेंगे जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं जब यहां पे कोई पॉजिटिव नंबर मौजूद है। अब अगर लेस वाली इनइक्वालिटी है तो ये काम करोगे, ग्रेटर वाली है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जहन में रखना यहां पर कभी नेगेटिव नहीं आएगा, इस बात को गौर करना। तो अगर लेस वाली इक्वालिटी है तो आपने इस तरीके से इसको मेंशन करना होगा, और अगर यहां पर ग्रेटर वाली इक्वालिटी है तो आप क्या लिखोगे। अब आप कंपाउंड इक्वालिटी की फॉर्म में नहीं लिख सकते, मैंने पहले भी बताया था, रीजन मैंने आप लोगों को बताई है। दूसरी चीज जो है इसको आप, इसका मतलब एंड होता है, तो एंड को आप कंपाउंड इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिख सकते हो। जबकि इसमें क्या होगा, आप क्या करोगे, आप रखोगे एक्स को ग्रेटर देन पॉजिटिव नंबर और एक्स को रखोगे लेस देन नेगेटिव। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर टू लिखा हुआ है तो आप लिखोगे एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, और एक्स इज लेस देन और इक्वल टू माइनस टू। तो नेगेटिव के साथ आपने लेस वाली लगाओगे, पॉजिटिव के साथ आप यहां पे ग्रेटर वाली लगा दोगे, अगर ये वाली इक्वालिटी, ये वाली एब्सोल्यूट वैल्यू आपको मौजूद है, गिवन है। तो एग्जैक्टली इस पे आपने ये वाले स्टेप्स को परफॉर्म करना है। ये और है, इसको आप कंपाउंड की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इस चीज पे खास आपने तवज्जो देनी है। अब मैं जरा एग्जाम्पल करवाता हूं, तो जितनी आप एग्जाम्पल करोगे उतने आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली एग्जाम्पल आपके पास है कि इक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी नहीं है, 2x minus 3 is equal to 7, आपने इसको सॉल्व करना है। तो वही बात मैंने आप लोगों को बताई है कि इक्वालिटी वाले केस में क्या होता है कि जब अंदर चीज जो है और बाहर a लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ये होता है कि जो अंदर लिखा हुआ है ना उसको आप प्लस माइनस a के बराबर रखते हो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, अंदर यहां पे क्या लिखा हुआ है, 2x minus 3 लिखा हुआ है, तो इसको आप बराबर रखोगे प्लस माइनस 7 के। मतलब अगर ये पूरी चीज 7 हो तब भी सेटिस्फाई हो रहा है, और ये पूरी चीज अगर नेगेटिव 7 हो तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, दोनों केसेस में सेटिस्फाई होगी। तो आप 2x minus 3 को पहले प्लस 7 के बराबर रखो, और फिर 2x minus 3 को आप नेगेटिव 7 के बराबर रखो, तो ये हो जाएगा 2x is equal to 10, यहां से x की वैल्यू 5 आ जाएगी। और इसको सॉल्व करो, 2x is equal to minus 4, यहां से x की वैल्यू minus 2 आ जाएगी। तो कहने का मतलब अगर आप यहां पे 5 पुट करो तो देखो x की जगह मैं 5 पुट करूंगा तो 2 5 10 10 minus 3 7, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। और अगर मैं यहाँ पे माइनस टू पुट करूंगा, माइनस टू को 2 से करो माइनस 4, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7,
माइनस सेवन की एब्सोल्यूट वैल्यू भी सेवन होती है। तो अगर इक्वेशन में एब्सोल्यूट का साइन आ रहा है तो आप इस तरीके से उसको सॉल्व कर रहे होते हो। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इनइक्वालिटीज के ऊपर। सबसे बेसिक सी बात करते हैं, नहीं ये थोड़ा एडवांस केस है, इस वाली की बात करते हैं। 2x माइनस 3 इज लेस देन सॉरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अभी मैंने ये बात क्लियर की आप लोगों को कि जब भी ग्रेटर वाली इक्वालिटी आएगी तो आपने क्या करना है, आपने पॉजिटिव के साथ ग्रेटर लगाना है और नेगेटिव के साथ लेस लगाना है। क्या मतलब, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2x माइनस 3 को आप लिखोगे 1 से ग्रेटर, मतलब जो भी यहां पे नंबर लिखा होगा उसके साथ ग्रेटर लगाओगे, और 2x माइनस 3 के साथ आप लेस लगाओगे उस वक्त जब उस नंबर का नेगेटिव आप यहां पे लिखोगे। सिंपल लैंग्वेज में यहां पे नंबर तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, जब यहां पे ग्रेटर वाली है तो आप दो केसेस बनाओगे, एक केस में यहां पे 1 लिखोगे, दूसरे केस में यहां पे माइनस 1 लिखोगे, मतलब एक केस में वही नंबर लिखोगे, दूसरे केस में उसके साथ नेगेटिव लगाओगे। फिर जहां पे आपने एग्जैक्टली वही नंबर लिखा है उसके साथ आप लगाओगे ये वाली इक्वालिटी, और जहां पे आपने नेगेटिव लिखा होगा उसके साथ आप लगाओगे ये वाली इक्वालिटी। मगर इस मतलब इसके रेफरेंस से बात करें तो लेस वाली लगाओगे नेगेटिव के साथ और ग्रेटर वाली लगाओगे पॉजिटिव के साथ। अब आपने इसको सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 को उधर ले जाते हैं 4 हो जाएगा, सॉल्व करो 2 से डिवाइड कर दो, ये सीन आ जाएगा। अच्छा अब इसको जरा देखते हैं, 2x है माइनस 3 जाके पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल लैंग्वेज में दोनों तरफ आप 3 को ऐड करवा दो तो यहां पे बचेगा 2, 2 से डिवाइड करवा दो यहां पे बचेगा 1। तो एक आंसर आपके पास ये आएगा, एक आंसर ये, और ये और का केस है, मैं पहली बता रहा हूं। इसको आप एक साथ कंपाउंड के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्यों, या तो एक्स 2 से ग्रेटर होगा या एक्स 1 से कम होगा, बैक वर्क पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप 2 से ग्रेटर कुछ भी पुट करो ये इक्वालिटी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही होगी, और अगर आप 1 से लेस कुछ भी पुट करो तब भी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही होगी। मजीद अगर आपने तसल्ली करनी है तो आप पुट करके भी देख लो, फॉर एग्जाम्पल 2 से ग्रेटर, एक तो पहली बार 2 भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, आप यहां पे 2 पुट करोगे ना, 2 का क्या होता है 4, 4 माइनस 3 1 होता है, तो 1 इक्वल टू 1, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब है कि कोई एक बार सेटिस्फाई हो ना, तो 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है इसको। बर 2 से ग्रेटर कुछ पुट करो, फॉर एग्जाम्पल मैं 5 पुट कर लेता हूं, 5 2 10 10 माइनस 3 7, 7 जो है वो 1 से ग्रेटर होता है, ठीक है। इसी तरह 1 से कम आप कुछ पुट कर लो या 1 भी पुट कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 0 पुट करूं तो माइनस 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 3, और 3 ग्रेटर होता है 1 से। ये कि मैं 2 से ग्रेटर कुछ पुट कर सकता हूं या मैं 1 से कम कुछ पुट कर सकता हूं, तो इसको लिखेंगे हम किस तरीके से, 1 से कम को आप किस तरह लिखते हो, माइनस इंफिनिटी से लेके 1 और 1 पे लगेगी स्क्वायर ब्रैकेट, और 2 से ग्रेटर को कैसे लिखते हो, 2 से लेके इंफिनिटी और 2 पे लगेगी स्क्वायर ब्रैकेट, दरमियान में आप लगाओगे यूनियन क्योंकि ये और है। बैक वक्त दो बातें सेटिस्फाई नहीं करनी है आपने, पॉसिबल भी नहीं है, या तो इससे कोई आप उठा लो सॉल्यूशन या इससे सॉल्यूशन उठा लो आप, ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो इन बातों का जरा आप लोग खास ख्याल रखना। यहां पे मैं चीज क्लियर करूं, मैंने आप लोगों को एक क्वाड्रेटिक में एक कॉन्सेप्ट दिया था कि फॉर एग्जांपल अगर लिखा एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि आपने क्या करना होता है, आपने करना होता है, मैं दोनों केस बता देता हूं, वहां पे मैंने आपको जुगाड़ बताई थी, यहां पे मैं आपको रीजन बताता हूं कि वहां पे मैंने क्या बताया था आपको। मैंने बोला था कि जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे यहां पे तो इक्वेशन में आप प्लस माइनस राइट हैंड साइड पे लगा देते, लेकिन इनइक्वालिटी में आप प्लस माइनस यहां पे लगाओगे, वो जुगाड़ थी इसकी। जरा सॉल्व करते हैं और फिर मैं एक्चुअल तरीका बताता हूं आपको। तो ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहां पे प्लस माइनस आया है और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर आप लिखोगे x इज लेस देन 3, मतलब एक दफा पॉजिटिव कंसीडर किया एक दफा नेगेटिव कंसीडर करो। अब ये तो सॉल्यूशन आ गया ना, इसका तो क्वेश्चन नहीं है, आप माइनस से मल्टीप्लाई करवाओ, ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन माइनस 3। तो एक सॉल्यूशन ये है, एक ये है, ये बैक वक्त पॉसिबल कर रहे हैं आपने कि x लेस देन 3 ओवरऑल ठीक नहीं है, क्योंकि लेस देन 3 तो माइनस 5 भी आता है, माइनस 5 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो लेस देन 3 पूरा नेगेटिव इन्फिनिटी तक नहीं आप जा सकते, इसी तरह ग्रेटर देन माइनस 3 तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहे हो लेकिन वहां तक आप नहीं जा सकते, तो आपने 3 और माइनस 3 के दरमियान रहना है, जिसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, ये इसका सॉल्यूशन है। तो ये मैंने जुगाड़ करके आपको बताया था कि प्लस माइनस आप यहां पे लगा रहे हो, तो करेक्ट रीजन ये होता है कि जब आप करेक्ट मेथड बता रहे हो, जब आप स्क्वायर रूट लेते हो ना तो ये सिचुएशन बनती है, ठीक है। अब आपको यहां पे पता था कि मैंने ये पहले क्लियर किया था कि अगर आप स्क्वायर रूट लो एक्स स्क्वायर का तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर एक्स आंसर नहीं आता, मॉड एक्स इसका आंसर आता है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो इस पूरी चीज का आंसर क्या आएगा, मॉड एक्स आएगा। तो सिचुएशन आपके पास ये बनेगी, मॉड एक्स इज लेस देन 3, और यहां पे आप क्या करते थे, जब लेस वाली इनइक्वालिटी आती थी तो आप क्या करते थे, आप ये वाली सिचुएशन लिखते थे, आप इसको लिखते थे इस तरीके से कि माइनस 3
और यहाँ पे थ्री आएगा दरमियान में इस तरह करते थे। तो जो मेहनत आपने यहाँ पे प्लस माइनस करके की है ना, वो डायरेक्ट आप इस तरीके से कर सकते हो। तो ये असल कॉन्सेप्ट था जो यहाँ पे हम डिस्कस करते थे, ये कॉन्सेप्ट है। ये उसी वक्त आपको समझ आएगी जब आपको ये वाली बात समझ आएगी, ठीक है। उसके बाद आपको मॉड को सॉल्व करना आता है। तो जो क्वाड्रेटिक है उनको आप एब्सोल्यूट और स्क्वायर रूट, इसको इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, या इसकी आप एक जोहार भी याद रख सकते हो जो मैंने बताई थी कि जब आप स्क्वायर रूट लेते हो इनइक्वालिटी में प्लस माइनस यहाँ पे आ रहा होता है, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों बातें थी। इसी तरह सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी कर लेना आप लोग, सेम ये लगा के देख लेना दोनों आंसर मैच कर रहे होंगे। तो ये एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको दे दिया है, उस वक्त मैंने आपको थोड़ी जोहार बता दी थी। बल अच्छा जी, एक और केस डिस्कस करते हैं, थोड़ी सी हम एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं। अगर आपके पास आ जाए, क्या आ जाए कि 4 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 माइनस 7 इज लेस देन 5, ये भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले माइनस 7 को उधर ले जाओ, वहां जाके ऐड होगा तो 12 हो जाएगा, फिर दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दो तो ये 3 हो जाएगा। तो ये सिचुएशन बन रही है भाई, लेस देन वाली है। तो लेस देन वाली को मैंने बताया बड़ा आसान तरीका लिखने का, आप दरमियान में लिखो x प्लस 3, ठीक है, इस तरफ लिखो पॉजिटिव, इस तरफ लिखो नेगेटिव। भाई मॉड x के अंदर जो भी चीज लिखी होगी ना, उसको आप दरमियान में लिखोगे, यहां पे x प्लस 3 लिखा हुआ है तो दरमियान में लिखोगे, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव। तो बड़ा आसान तरीका होता है जब लेस देन वाली आपके पास इनइक्वालिटी आ रही होती है एब्सोल्यूट के अंदर, तो आप इस मेथड से कर देते हो। बस अब आपने इसको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, दोनों तरफ मतलब इनइक्वालिटी में आप क्या करो, 3 को सब्ट्रैक्ट करवा दो, मतलब सिंपल लैंग्वेज में माइनस 3 को ऐड करवा दो सब तरफ। यहां पे माइनस 3 को ऐड करवाओ माइनस 6, यहां पे माइनस 3 को ऐड करवाओ x बचेगा, यहां पे माइनस 3 करो 0 बचेगा। तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा कि x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 6 है और लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो इसका अगर आप लिखोगे कैसे, आप लिखोगे माइनस 6 से लेके 0, इक्वालिटी है तो दैट्स व्हाई आप लगा रहे होगे यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा जी, उसके बाद कुछ आपको देखने में शरीफ इनइक्वालिटी लग रही है, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को शुरू में ही दे दिया था ये वाला, तो जरा गौर से देख रहे हैं, इनको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट इसको आंसर लिख सकते हो। कैसे, बस एक स्टेप करो, 5 को लेके जाओ, 5 नेगेटिव हो जाएगा, 2 माइनस 5 होता है माइनस 3, ये आपके पास इनइक्वालिटी है। अब अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करोगे तो आप बेवकूफ होगे, बल्कि आंसर भी गलत आ जाएगा आपका। हाँ, क्योंकि नॉर्मल मेथड लगे उस वक्त में, मैंने बताया था जब ए यहां पे पॉजिटिव होता है तब आप ये काम कर रहे होते हो। यहां पे देखो ए पॉजिटिव नहीं है, यहां पे चीज नेगेटिव है। लेस देन और ग्रेटर देन के बाद पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, जैसे यहां पे ग्रेटर देन के बाद यहां पे पॉजिटिव था तो ये आपने मेथड अप्लाई किया है, यहां पे लेस देन के बाद पॉजिटिव नंबर था तो आपने सेकंड वाला पॉइंट अप्लाई किया, लेकिन यहां पे नेगेटिव नंबर आ रहा है, नेगेटिव नंबर पे ये 2 और 3 ये तो अप्लाई नहीं होते, तो होते पॉजिटिव पे। तो अब सवाल है कि नेगेटिव नंबर आ जाए तो वही मैंने हल बताया था कि अगर ग्रेटर वाली इक्वालिटी है तो ये सब एक्स पे सेटिस्फाई होगी, मतलब आप कुछ भी एक्स यहां पे पुट कर दो आंसर जो है वो हमेशा माइनस 3 से ग्रेटर आएगा, चाहे आप एक्स नेगेटिव पुट करो या पॉजिटिव पुट करो या 0 पुट कर दो, आंसर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन माइनस 3 होगा। इसका मतलब अगर आप इसका सॉल्यूशन लिखना चाहो तो आप इस तरह लिखोगे, रियल नंबर को लिखने का तरीका होता है माइनस इनफिनिटी से लेके इनफिनिटी, तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट अगर आता होगा तो आप समझ जाओगे ये, क्योंकि बच्चे इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं तीसरे पॉइंट से, और मैंने बताया तीसरा पॉइंट और दूसरा पॉइंट ये वैलिड उस वक्त है जब यहां पे कोई पॉजिटिव नंबर लिखा हो। अच्छा जी, अब आ जाओ इसी किस्म की एक और भी है जिसमें आमतौर पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो है फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ एक्स प्लस 1 प्लस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3। सॉल्व करने जाओगे आप ये सिचुएशन बनेगी, 4 को लेके जाओ सब्ट्रैक्ट करके नेगेटिव हो जाएगा तो यहां पे माइनस 1 बच जाएगा। अब अगेन यहां पे नेगेटिव नंबर आ गया तो 0.2 0.3 अप्लाई कर ही नहीं सकते, अब आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। कॉन्सेप्ट ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नंबर से कम नहीं हो सकती, ये जो इस पूरी चीज है ये कभी माइनस 1 से कम आंसर नहीं आ सकता, इसका आंसर हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर ही आएगा। तो दैट्स व्हाई इसका सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, नो सॉल्यूशन। कोई भी आप एक्स वैल्यू पुट कर दो ये इनइक्वालिटी ठीक हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये देखने में सॉल्व करने वाली है लेकिन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है वरना मिस्टेक कर बैठोगे। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को थोड़ा मिक्सचर करवा रहा हूं, मिक्सचर इन द सेंस के जिसमें रैशनल भी आ रही है और साथ साथ उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू भी आ रही होगी, जरा मिक्सचर होगा और देखते हैं किस तरह सॉल्व करना है। अच्छा जी, लिखा हुआ भाई 5 माइनस 2 अपॉन एक्स इज लेस देन 1, ये चीज आ रही है।
अब जरा इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं बच्चों, जरा एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा 5x माइनस 2 अपॉन एक्स, ये सिचुएशन बन रही है। अच्छा इसके बाद आप यहां पे करोगे क्या, इसको आप कन्वर्ट कर लोगे, जो एब्सोल्यूट में आपने चीज पढ़ी हुई है, क्या पढ़ा हुआ आपने कि जब लेस देन वाला होता है तो आप ये वाला काम करते हो, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो माइनस 1 यहां पे 1 लिखो और दरमियान में आप ये फ्रैक्शन लिख दो पूरी, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा हो गया। अब देखो इनको सॉल्व करना इजी नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर में एक्स आ गया, अगर नंबर होता ना तो आप सॉल्व कर सकते थे, आप एक्स को उधर इधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उसकी रीजन भी है, मतलब फॉर एग्जांपल आप ये नहीं कर सकते कि एक्स को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दो, इसका सिंपल मैं केस डिस्कस करता हूं, फॉर एग्जांपल आपके पास ये चीज लिखी हुई हो तो इसको ये नहीं करोगे आप एक्स को 1 से जाके मल्टीप्लाई करवा दो, दैट्स इट, खत्म, एक्स इज ग्रेटर देन 1 आंसर आ गया, नहीं, ये वाली अप्रोच आप यूज नहीं कर सकते, उसकी रीजन ये होती है कि भाई आपको नहीं पता ये एक्स क्या है, इसकी दो रेंज बनेगी, अगर एक्स पॉजिटिव हो तो आप ये काम कर सकते हो, लेकिन अगर एक्स नेगेटिव हो तो आप ये काम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जब आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हो आपको इक्वालिटी को इनइक्वालिटी को चेंज करना पड़ता है, तो आपको दो केसेस बनाने पड़ेंगे, एक जिसमें एक्स पॉजिटिव हो उसमें आप ये वाला स्टेप करोगे और जिसमें एक्स नेगेटिव है उसमें आप इक्वालिटी इनइक्वालिटी का साइन चेंज करोगे, तो दो केसेस आपको डिस्कस करने पड़ते हैं, तो रैंडमली आप इस तरह एक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो आप यहां पर क्या करोगे, आप पहले इसको सॉल्व कर लो, मतलब 5x माइनस 2 अपॉन एक्स इज लेस देन 1, इसको जरा सॉल्व करते हैं, अब ये रेशनल वाला कॉन्सेप्ट है, 1 को उधर ले आओ आप, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 1, सही है, उसके बाद है 5x माइनस 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स लेस देन 0, ये हो जाएगा 4x माइनस 2 अपॉन एक्स इज लेस देन 0, तो सॉल्व करना है, एक एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, एक एक्स की वैल्यू 1 अपॉन 2 आ रही है, तो जब मैं सॉल्व करूंगा इसको 0 और फिर 1/2, तो अगर आप देखो अगेन तीन हिस्सों में आपका इंटरवल जो है वो तकसीम हो गया, आपने अब वही वैल्यूज पुट करनी है और इस इनइक्वालिटी में आप पुट करोगे टेस्टिंग वैल्यूज, पहले आप माइनस 1 पिक कर लो, अब 0 और 1/2 के दरमियान क्या होगा, 1/2 0.5 होता है ना, तो लाइक आप 1/4 पुट कर दो, 1/4 0.25 आता है ना, तो 0.25 मतलब 1/4 पुट कर देंगे और इसके बाद तो 1 आ जाएगा, तो जब आप माइनस 1 यहां पे पुट करोगे तो ऊपर नेगेटिव नीचे नेगेटिव ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, जब 1/4 पुट करोगे यहां पे x की जगह पे जब आप 1/4 पुट करोगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 नेगेटिव होता है, नीचे 1/4 पुट करो तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये इंटरवल नेगेटिव, फिर आप 1 पुट करो ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, आपको कौन सा रीजन चाहिए, आपको लेस वाला रीजन चाहिए मतलब नेगेटिव वाला, तो ये नेगेटिव वाला रीजन जो है ये आपके काम का है, मतलब 0 से लेके 1/2, इसमें 0 और 0 तो वैसे भी शामिल नहीं हो सकता क्योंकि वो अनडिफाइन हो जाएगा, और 1/2 शामिल नहीं हो सकता क्योंकि 1/2 पुट करोगे तो 0 के बराबर आएगा, इक्वालिटी वाला केस आप नहीं कर सकते, आपको जस्ट लेस वाला केस चाहिए, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन ये खाली आंसर नहीं है, अगर आप देखो कंपाउंड इक्वालिटी है, आप इसको सॉल्व करो और फिर आप इसको सॉल्व करोगे, जो इंटरसेक्शन वाला रीजन होगा वो होगा, क्योंकि आपने कॉमन वाला रीजन सेलेक्ट करना होता है कि जो आप यहां पे पुट करो वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है, तो खाली ये काफी नहीं है, आप दूसरे को भी सॉल्व करोगे, और जरा हम दूसरे को देख लेते हैं सॉल्व करते हुए। अच्छा जी दूसरा पीस क्या है, दूसरा पीस है कि 5x माइनस 2 अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 1, सॉल्व करो 5x माइनस 2 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा ग्रेटर देन 0, ये प्लस मैं दरमियान में लगा देता हूं। अच्छा जी 5x माइनस 2 प्लस एक्स अपॉन एक्स ये हो जाएगा 6x माइनस 2 अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो एक एक्स की वैल्यू 1/3 आएगी, एक एक्स की वैल्यू 0 आएगी, वही काम करो यहां पे 0 यहां पे 1/3, सही है, यहां पे अगेन माइनस 1 ले लेते हैं, यहां पे 1/6 ले लेते हैं, कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो जाएगी, 1/6 इज लाइक 0.18 या 1/7 इस टाइप का कुछ होगा, इस रेंज के अंदर ही आ रहा होगा क्योंकि 1/3 0.3 होता है ना, तो इस रेंज के अंदर 1/6 आ रहा होगा, यहां पे मान लेते हैं, तो जब आप माइनस 1 पुट करोगे यहां पे तो ऊपर नेगेटिव नीचे नेगेटिव ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। हाँ जब आप 1/6 पुट करोगे तो यहां पे 1 आएगा, मतलब ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव ओवरऑल नेगेटिव आएगा। अच्छा जी एक सेकेंड, ठीक है, उसके बाद आप एक काम करो, आप यहां पे 1 पुट करो, 1 जब पुट करोगे ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव ये वाला पॉजिटिव, आपको कौन सा रीजन चाहिए, आपको ग्रेटर वाला रीजन चाहिए मतलब पॉजिटिव वाला, तो ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है।
अब जरा पहले लिखते तो है ये कौन कौन से हैं। ये वाला रीजन जो है जीरो से पहले वाला, इसको आप लिखोगे माइनस इंफिनिटी से लेके जीरो यूनियन। इस वाले रीजन को आप लिखोगे वन अपॉन थ्री से लेके इंफिनिटी तक। ये दो रीजन आपके पास आए, तो इसका सॉल्यूशन ये है और इसका सॉल्यूशन ये है। आपको चाहिए इनका दरमियान का सॉल्यूशन जहां पे ये दोनों लाइन कर रहे हो। अब ये कैसे पता चलेगा? बेस्ट तरीका है नंबर लाइन बना लो, समझ आ जाएगा आपको। नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे हर चीज समझ आ जाएगी। ये वाला रीजन नंबर लाइन पे क्या होगा, कंसीडर कर लो ये जीरो है, तो माइनस इंफिनिटी से लेके जीरो ये वाला रीजन है। तो एक तो ये आ गया, वन अपॉन थ्री से लेके इंफिनिटी कंसीडर कर लो, वन अपॉन थ्री यहां पे, वन अपॉन थ्री से इंफिनिटी ये वाला पूरा रीजन है, ठीक है। और जीरो से लेके वन अपॉइंट टू कौन सा रीजन है? वन अपॉइंट थ्री के बाद वन अपॉइंट टू आएगा ना, तो जीरो से लेके वन अपॉइंट टू का रीजन ये होगा पूरा। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, इसमें से एक ही रीजन है जिसपे कॉमन है, वो ये रीजन है। अगर आप ऑब्जर्व करो, इस वाले रीजन में ये वाला सॉल्यूशन भी लाई कर रहे हैं और इस वाले रीजन में ये वाला सॉल्यूशन, मतलब इसके सॉल्यूशन का मतलब इसका कोई ना कोई पॉइंट इस रीजन में लाई करना चाहिए, और ये छोटा सा रीजन जो है ये इसमें लाई कर रहे हैं। जो वन अपॉइंट थ्री से लेके इन्फिनिटी आपने बनाया है, ये जो पूरा रीजन था इसका स्टार्टिंग का रीजन जो है वो उसके साथ ओवरलैप कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये वो रीजन है जो इसका राइट आंसर होगा। इसको मैं कैसे लिखूंगा, वन अपॉन थ्री से लेके वन अपॉन टू। आप इसके दरमियान कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, ये बातें बैक वक्त सेटिस्फाई हो रही होंगी, यकीन नहीं आता पुट करके देख लो। वन अपॉन थ्री और वन अपॉन टू के दरमियान 0.4, 0.4 की वैल्यू क्या होती है? 0.4 इज लाइक 4/10, 2/5, 2/5 0.4 होता है ना। आप यहां पे इसके दरमियान आएगा, 1/3 और 1/2 के दरमियान 1/4 लाई कर रहा होता है, मतलब 0.3 से लेके कंसीडर कर लो 0.5, तो उसके दरमियान 0.4 होता है, तो 2/5 इज लाइक 0.4। तो अब यहां पे 2/5 पुट करो, यहां पे आप पुट करो x की जगह पे 2/5 माइनस 2 और नीचे भी x की जगह 2/5, ये तो कैंसिल हो जाएंगे 2 माइनस 2, यहां पे 0 आ रहा है, पूरी चीज 0 हो रही है। और आपको पता है 0 1 से कम होता है और 0 माइनस 1 से ग्रेटर होता है। इसी तरह इनके दरमियान कोई भी और वैल्यूज आ रही है, 0.34 पुट कर लो, 0.45 पुट कर लो, आप देखोगे दोनों बातें एक साथ सेटिस्फाई हो रही हैं। तो अब ये मुश्किल केस है, आपने दो अलग अलग केसों को अलग अलग सॉल्व किया है और आपने देखा कॉमन रीजन क्या है, क्योंकि कंपाउंड इनक्वालिटी को कॉमन रीजन चाहिए होता है कि दोनों बातें दोनों तरफ से बात सेटिस्फाई हो रही हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस था। उसके बाद एक और सवाल लेते हैं हम इनक्वालिटी का, जिसमें एब्सोल्यूट आ रहा हो। सवाल ये है आपके पास कि x प्लस 6 अपॉन x माइनस 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 4। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा बच्चों? वही जैसे आप लोगों को मैंने बताया है कि अगर लेस देन वाली इनइक्वालिटी आ रही है विद एब्सोल्यूट, तो पॉइंट नंबर 2 लगेगा, आप माइनस 4 लिखोगे, 4 लिखोगे और उसके बाद आप ये रेशनल फंक्शन लिख दोगे। अब आपने इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना आपका काम है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आप इस पीस को कंसीडर करोगे, ठीक है, सॉल्व करना ही हो जाएगा, x प्लस 6 माइनस 4x प्लस 16 अपॉन x माइनस 4, मजे सिंप्लीफाई करोगे हो जाएगा माइनस 3x प्लस 22 अपॉन x माइनस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो एक आप निकालोगे x इज इक्वल टू 4, एक हो गया x इज इक्वल टू 22 अपॉन 3। हाँ जी, तो बस अब वही काम करना है जो आप रेशनल के अंदर करते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आप इस वाले पीस को लोगे, फिर वही आपने काम करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये इन जरा चीजों को आप लोग देख लेना। अच्छा जी, उसके बाद आखिरी एग्जांपल है, आखिरी कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा, वो है कि अगर आपके पास लिखा हो मॉड, दोनों तरफ मॉड हो, यह सिचुएशन मौजूद हो, अब आपने क्या करना है यहां पर। अच्छा, अभी तक आप लोग करते हुए आए हो तो आप लोग यही करते हुए आए थे कि यार एक तरफ मॉड होता था, दूसरी तरफ वैल्यू होती थी, कोई अब दोनों तरफ मॉड है। अब इसको करने के अगेन दो अप्रोचेस हैं। सबसे पहली अप्रोच क्या है कि आप दोनों तरफ डिवाइड कर दो 3 माइनस 2x से, मतलब ये चीज मॉड ऑफ 3 माइनस 2x, दोनों तरफ आप डिवाइड कर दो। अब आपको पता है कि आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मॉड आपको पता है मॉड हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, मॉड कभी नेगेटिव नहीं रहता, तो इसलिए आपको इनइक्वालिटी का साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस x 3 माइनस 2x इज लेस देन और इक्वल टू, ये पूरी चीज 1 हो जाएगी। और आप लोगों को मैंने प्रॉपर्टी में बताया था कि अलग अलग डिवाइड करो या एक साथ ही आप डिवाइड कर दो तो बात एक ही होती है। तो अब अगेन ये वही वाला केस बन गया जो इसमें आपने किया। क्या करोगे आप, सबसे पहले -1 लेस देन 4 माइनस x अपॉन 3 माइनस 2x इज लेस देन और इक्वल टू 1।
अब बाकी पहले आप इन दो को सॉल्व करना, फिर आप इन दो को सॉल्व करना, या चलो मैं ये करवा देता हूं क्योंकि आंसर फिर हम मैच भी कर लेंगे आसानी से, ये सिचुएशन बनेगी। तो वन को मैं दे ले आता हूं पहले, लेस देन और इक्वल टू जीरो। एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो, माइनस थ्री प्लस टू एक्स अपॉन थ्री माइनस टू एक्स इज लेस देन जीरो और इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन थ्री माइनस टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। एक एक्स की वैल्यू नेगेटिव और एक एक्स की वैल्यू आ रही है थ्री अपॉन टू। तो सॉल्व करो, ये है माइनस वन, ये है थ्री अपॉन टू। यहां पे माइनस टू ले लेते हैं, यहां पे जीरो ले लेते हैं, यहां पे टू ले लेते हैं। तो जब आप माइनस टू यहां पे पुट करोगे तो ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव, नहीं ऊपर नेगेटिव और हाँ नीचे पॉजिटिव होगा, ठीक है। जब आप जीरो पुट करोगे ऊपर पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। जब आप टू पुट करोगे ऊपर पॉजिटिव लेकिन नीचे जो है वो नेगेटिव आ रहा होगा, ठीक है। आपको कौन सा रीजन चाहिए? जो लेस वाला है वो रीजन चाहिए, मतलब जो नेगेटिव है। तो ये वाला और ये वाला, ये आपको दो चाहिए। तो क्या करते हैं हम, इक्वालिटी भी इसके अंदर आ रही है तो जरा हम ब्रैकेट को भी जरा देख लेंगे। तो एक इसका आंसर क्या आ रहा है, माइनस वन से पहले पहले तक, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस वन यूनियन थ्री अपॉइंट टू के बाहर, थ्री अपॉइंट टू से लेके इंफिनिटी तक किसको शामिल करना है। थ्री अपॉइंट टू को शामिल नहीं कर सकते, हमारा डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। माइनस वन को शामिल कर सकते हैं क्योंकि जीरो के बराबर अलाउड है हमें, तो माइनस वन भी हम लगा देंगे स्क्वायर ब्रैकेट। अब पहले पीस का ये आंसर आया, अब दूसरे को भी सॉल्व करना है, अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा फोर माइनस एक्स अपॉन थ्री माइनस टू एक्स, माइनस वन इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। फोर माइनस एक्स प्लस थ्री माइनस टू एक्स अपॉन थ्री माइनस टू एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन अपॉन थ्री माइनस टू एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू बच्चों यहां से आ रही है थ्री अपॉन टू। अच्छा जी, तो एक एक्स की वैल्यू आपके पास आ रही है थ्री अपॉन टू और एक एक्स की वैल्यू आपके पास आ रही है सेवन अपॉन थ्री। तो जरा लिखते हैं, थ्री अपॉन टू इज लाइक 1.5 और सेवन अपॉन थ्री इज 2.33 आई गेस। तो डेफिनेटली बाद में ही आ रही है ये। तो इससे पहले क्या हो जाएगा, इससे पहले वन ले लेते हैं, इसके बाद हम टू ले लेते हैं, इसके बाद हम थ्री ले लेते हैं, आसानी हो जाएगी। तो जब आप वन पुट करोगे ऊपर पॉजिटिव नीचे पुट करोगे पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव। जब आप टू पुट करोगे ऊपर पॉजिटिव नीचे पुट करोगे तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा। जब आप थ्री पुट करोगे ऊपर नेगेटिव और नीचे भी नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। आपको कौन सा रीजन चाहिए? आपको पॉजिटिव वाला चाहिए, मतलब ये वाला भी और ये वाला भी एक्सेप्टेबल है। तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से लेके थ्री अपॉन टू यूनियन, इसका आंसर होगा सेवन अपॉन थ्री से लेके इंफिनिटी। अब आपको देखना इक्वालिटी है तो किसको शामिल कर सकते हैं, थ्री अपॉन टू को नहीं कर सकते क्योंकि वो डिनोमिनेटर को जीरो कर देगा, लेकिन सेवन अपॉन थ्री को हम कर सकते हैं, वो न्यूमिनेटर को कर रहे हैं, उसका इश्यू नहीं है। अब इसका आंसर ये आ रहा है और इसका आंसर ये आ रहा है, आपको क्या करना है, आपको दरमियान का निकालना है इसके अंदर से, ठीक है। अब दरमियान कैसे निकलेगा, जब आप नंबर लाइन बनाओगे ना तब आपको बात समझ आएगी क्योंकि आपने इस कंपाउंड इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना है। जरा नंबर लाइन बनाते हैं, सबसे पहले जो पॉइंट है उनको लिखो, माइनस वन थ्री अपॉन टू, तो ये माइनस वन है, फिर थ्री अपॉन टू आएगा, फिर सेवन अपॉन थ्री आएगा। तो जरा हम पॉइंट लिख देते हैं, ये है माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस वन। अच्छा, इसमें ये मैटर करेगा कि डॉट किस पे लगाएगा, हर चीज मैटर करेगी। तो ये पहला सॉल्यूशन तो ये वाला है, अच्छा जी। दूसरा है थ्री अपॉइंट टू से लेके इंफिनिटी, ये है, ये आप लिख दिया। आपने देखना है कॉमन कहां पे आ रहा है, जहां पे दोनों चीजें कॉमन हो वो आपने निकाल ली। अच्छा, इसमें क्या है, माइनस इंफिनिटी से लेके थ्री अपॉइंट टू, इसका ये रीजन आ रहा है। तो अगर आप देखो कॉमन ये वाला रीजन है, इसमें दोनों है, इस वाले रीजन में जस्ट ये है, ये वाला रीजन जो है इसमें ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, तो एक कॉमन रीजन तो हमें ये मिल गया। दूसरा है सेवन अपॉन थ्री से लेके इंफिनिटी, ये वाला रीजन, तो ये भी आपको कॉमन है क्योंकि इस रीजन में जस्ट ये वाला लाई कर रहा था, इस वाले रीजन में दोनों लाई कर रहे हैं, तो दो आपको रीजन मिल गए। तो ओवरऑल इसका सॉल्यूशन क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस वन यूनियन सेवन अपॉन थ्री से लेके इंफिनिटी। शामिल आप किसको कर सकते हो, देखो डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है उसको शामिल नहीं आप कर सकते, तो थ्री अपॉन टू नहीं आ सकता और डेफिनेटली थ्री अपॉन टू दरमियान में आप ही नहीं रखें क्योंकि इस वाले में और इस वाले में थ्री अपॉन टू गई भी नहीं है। इसका मतलब आप माइनस वन को शामिल कर सकते हो, सेम सेवन अपॉन थ्री को भी शामिल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप माइनस वन पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, ऊपर माइनस वन पुट करोगे तो फाइव हो जाएगा, नीचे माइनस वन पुट करोगे तो नीचे भी फाइव हो जाएगा, आंसर आ जाएगा वन। तो देखो वन जो है वो इक्वल टू वन होता है और वन जो है वो डेफिनेटली ग्रेटर है माइनस वन से, तो ये बात तो सेटिस्फाई होगी।
इसी तरह जब आप 7/3 पुट करोगे, तो जब मैं ऊपर 7/3 पुट करूंगा तो ये चीज होगी, नीचे पुट करूंगा तो 14/3 हो जाएगा ना, तो ऊपर आंसर आएगा 5/3 और नीचे आंसर आएगा -5/3, 3 से 3 कैंसिल, -1 आंसर आ रहा है। अब जब -1 आंसर आएगा तो -1 डेफिनेटली इक्वल है -1 के, और -1 लेस है 1 से, तो अभी भी बात सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब दोनों को मैंने शामिल कर दिया और इनके दरमियान की हर चीज शामिल हो जाएगी। तो एक तो तरीका यह है जो कि मुझे लंबा तरीका लग रहा है, लेकिन अप्रोचेज मैंने आपको बता दी, आप डिफरेंट तरीके से बात समझ सकते हो। अब इसका दूसरा और मेरे ख्याल में जो इजी तरीका है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, या शायद वो भी इतना टाइम ले, विल सी। वो ये कि जो आपके पास ब्लू में लिखा हुआ है ना, असल सवाल ये था, ये सवाल था आपके पास, आपने एक चीज पढ़ी थी वो ये थी कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला रिलेशन पढ़ा था आपने, अगर एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस है वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू से, मतलब इधर जो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर लिखा हुआ है उसको सॉल्व करो और जो इधर लिखा हुआ है, तो ये वाली चीज लेस होगी एज कंपेयर टू इसके। तो मैंने बताया था अगर आप इनके अंदर जो लिखा हुआ है इनका स्क्वायर करोगे तो वो भी इस लेस देन वाले को सेटिस्फाई कर रहा होगा, इनके अंदर का जब स्क्वायर करोगे तो तब भी ये रिलेशन फॉलो हो रहा होगा, आपको कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम काम यही करो, अगर ये वाली चीज इस वाली एब्सोल्यूट से लेस है तो आप इनके जो अंदर लिखा हुआ है उनका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो और 3-2x का स्क्वायर कर दो, अभी भी रिलेशन फॉलो हो रहा होगा। इस तरह लिखो या इस तरह लिखो, रिलेशन के दोनों फॉलो हो रहे होंगे, हमने ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है। अब जरा सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 16-8x + x², ये हो जाएगा 9-12x + 4x². इन तीनों को उठा के इधर ले जाते हैं तो यहां पे 0 बच जाएगा, एक्स स्क्वायर को जब उधर लेकर आएंगे तो ये 3x² हो जाएगा, माइनस उधर आएंगे तो ये -4x हो जाएगा, 16 उधर आके नेगेटिव होगा तो -7। सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में अगर हम लिखें तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब सॉल्व जरा करते हैं इसको, 3 को -7 से करो -21 के फैक्टर आपको बनाने, तो ये बनेगा 3 और 7 ही बनाते हैं, तो -7x + 3x - 7 ये हो जाएगा, आप x कॉमन लो तो 3x - 7 और यहां पे आप 1 कॉमन ले लो 3x - 7, तो ये हो जाएगा 3x - 7 और हो जाएगा x + 1 > 0। तो एक x की वैल्यू आएगी 7/3 और एक x की वैल्यू आएगी -1, वही बनाओ, ये -1 ये 7/3, यहां पे लो -2, यहां पे 0 लो और यहां पे फॉर एग्जांपल 3 ले लो आप, ठीक है। तो -2 जब मैं यहां पे पुट करूंगा तो नेगेटिव, यहां पे पुट करूंगा नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, जब मैं यहां पे 0 पुट करूंगा तो नेगेटिव, यहां पे करूं पॉजिटिव तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव होता है, जब मैं 3 पुट करूंगा यहां पे तो पॉजिटिव, यहां पे पुट करूंगा पॉजिटिव। आपको कौन सा रीजन चाहिए? आपको ग्रेटर वाला रीजन चाहिए, मतलब ये वाला और ये वाला। तो इस वाले रीजन को आप कैसे लिखोगे? -∞ से लेके -1, और इस वाले रीजन को कैसे लिखोगे? 7/3 से लेके इन्फिनिटी तक, और इक्वालिटी है, तो मतलब -1 पे भी राउंड ब्रैकेट और 7/3 पे भी राउंड ब्रैकेट, जो कि आप यहां पे निकाल चुके हो। तो सेम वही आपने काम किया, लेकिन ये जल्दी हो गया, जल्दी में आपने कंप्लीट कर लिया, लेकिन कॉन्सेप्ट वही लगाया, कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो आप ये दोनों सॉल्यूशन कर सकते हो, लेकिन इजी आपका डेफिनेटली ये सॉल्यूशन रहेगा। तो बच्चों एब्सोल्यूट, रैशनल, क्वाड्रेटिक ये ज्यादातर मसला करती हैं, डिटेल में मैंने कंप्लीट करवा दिया, कोई इसके अंदर आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहेगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह लेस टॉपिक है, इतने कॉमन नहीं होते वो, कि अगर रेडिकल इनइक्वालिटी आ जाए, एक्सपोनेंशियल आ जाए या लॉगरिथमिक आ जाए, तो मेरी कोशिश होगी एक ही लेक्चर के अंदर, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, इतनी आपको नजर भी नहीं आती, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आइडिया दे दूं कि आप लोग कर लो इसको, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, फिर हम इसे आगे बढ़ के ग्राफिंग पे आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।